देखिए ऐसा है कि अब भाजपा के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। भाजपा सभी मोर्चों पर विफल हो गई, सभी हथकंडे को झारखंड की जनता ने उनके सारे तर्कस को पहचान लिया, जान लिया, देख लिया, समझ लिया कि किस तरीके से ईडी से परेशान किया गया, सीबीआई लगाई गई, ईसी लगाई गई, इसमें भी हम लोग ना हार माने, ना थके, ना डरे, ना रुके और हमने अपना बहुमत भी साबित कर दिया। उनको तो पहले ही समय से वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, सरकार गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है। जब वो नहीं करने पाए तो अब एक प्रायोजित तरीके से सरकार को बदनाम करने का एक कुंठित प्रयास हो रहा है और ये प्रयास कभी जो है ये हिंदू मुसलमान के नाम पर कर रहे हैं, कभी किसी के नाम पर कर रहे हैं। इनको जहां जैसा मौका मिलता है वहां ये उसी तरह के तर्क से बाण चला रहे हैं, लेकिन इनके सारे बाण विफल हो जाएंगे। ये सरकार जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी है और ये लोकतांत्रिक सरकार है और लोकतांत्रिक सरकार में लोक में हम माननीय मुख्यमंत्री बैठे हैं और तंत्र में हमारी व्यवस्था बैठी है। यदि कोई भी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम करेगा, कोई भी जाति धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाएगा और एक दूसरे को अपमान और प्रताड़ित करेगा या उसके मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकारों का हनन करेगा तो सरकार उसमें सख्ती से काम करेगी। वहां पर हम एकदम ना चुकेंगे, ना रुकेंगे, ना थकेंगे। और ये लोग बोलेंगे कि पुष्टिकरण, तुष्टिकरण, कौन करण, ये लोग जाने, लेकिन हम लोग जो हैं हम तो व्यक्तिगत भगवान राम के भक्त हैं और भगवान राम सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाले थे। भगवान राम ने जो है सबको साथ दिया था, इसलिए ये सरकार सामाजिक न्याय की सरकार है, सबकी सरकार है, समता मूलक सरकार है। और सर्वजन को जब हम सर्वजन पेंशन योजना लागू कर रहे हैं तो हमारी सोच कितनी व्यापक है, हम ये नहीं देख रहे हैं। हम यदि लोगों की दुर्घटना हो रही है तो हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, कि गरीब है कि अमीर है, कि वो बीपीएल है कि एपीएल है, हम तो सबके लिए कर रहे हैं। तो ये सरकार ये कितना भी करेंगे, वो जितना भी जुल्म करेंगे उतना हमारी सरकार मजबूत होगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।